हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से मेल आया है YouTube की तरफ से, यहाँ पर बताया गया है जैसे कि इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी गुड योर सर्विसेज कंटेंट। तो कहने का मतलब है जो आपके वीडियो हैं, जो भी कंटेंट हैं, तो वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आप उनमें किस किस तरीके की लिंक्स हैं वो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ों को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में कोई कंपनी है या फिर ऐप है या फिर डोमेन है, ठीक है, तो वो गूगल एडिसन से वेरिफिकेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी चीज़ से ही रिलेटेड यहाँ पर ये मेल आया है, ठीक है। अब इस मेल में क्या क्या बताया गया है वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप किस तरीके की कोई भी वॉयलेशन करते हैं तो आपको किस तरीके की स्ट्राइक का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसी के साथ में आपके चैनल पर क्या क्या हो सकता है वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी भी तरीके के गलत कंटेंट डालते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट है जो कि गेमिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपकी वो वीडियो को वहाँ पर हटा देंगे। अगर आप उस पर वीडियो बनाते हैं जैसे कि गेमिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है आपकी और आप उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो को हटा दिया जाएगा। इसी के साथ में कोई ड्रग्स वगैरह है या फिर कोई शराब है तो आप उसका प्रचार कर रहे हैं और वो वेबसाइट पर बिकती है, ठीक है, या फिर आप वीडियो ही उसके ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, तब भी वो आपकी वीडियो है वहाँ पर रिमूव कर दी जाएगी। और ऐसे में आप एक दो बार करते हैं, दो तीन बार करते हैं, तो आपको वहाँ पर स्ट्राइक भी दे दी जाएगी। इसी के साथ में अगर आप इस तरीके के कोई भी URL डालते हैं अपनी वीडियोस में, तब भी आपको वहाँ पर एक स्ट्राइक दे दी जाएगी। और इन्होंने कहा है कि जो कि एक वीक लॉन्ग टाइम होता है, उस बीच ना तो कोई आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना तो कोई पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, और एक सप्ताह के लिए जो आपका चैनल है वो समझो रोक दिया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। यानी कि ना तो आप अपलोड कर सकते हैं, आपकी वीडियो रहेंगी, जो वीडियो पहले से ही हैं वो ही चलेंगे, ठीक है, पर और कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप लगातार इस तरीके की कोई भी गलती करते हैं और आप की जो वीडियो हैं या फिर कुछ भी लिंक वगैरह डालते हैं इस तरीके की, तो आपके चैनल को वहाँ पर परमानेंटली बंद भी किया जा सकता है, ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है, ठीक है। तो आपको कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि हम जब भी नया नया YouTube चैनल बनाते हैं तो हमें इसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करना या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बना देते हैं, जैसे कि शराब से रिलेटेड बना देते हैं, तो कुछ बातें होती हैं कि हम वीडियो में कुछ समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, अगर कोई गलत चीज़ है तब, ठीक है, पर उसका कुछ मतलब कोई और ही निकलता है, ठीक है, पर YouTube चाहता है कि ये चीज़ YouTube पर आए ही ना, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, देखो मैं आपको बता दूं, जब तक YouTube की नज़र में वो वीडियो नहीं आती हैं तभी तक नहीं आती हैं, जब YouTube की नज़र में वीडियो आती हैं तो वो चैनल भी यहाँ पर दोषी हो जाता है, और इसी के साथ में फिर उसके चैनल की दोबारा पूरी तरीके से जो YouTube का एल्गोरिथम सिस्टम है पूरी तरीके से चेकअप करता है, ठीक है, उनकी जितनी भी सारी वीडियोस होती हैं, और ऐसे में फिर और वीडियोस में भी गलती निकलती हैं और उसके बाद में जो आपका चैनल है वो परमानेंटली डिलीट यानी कि YouTube से हटा दिया जाता है, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं 2018 से काम कर रहा हूँ YouTube पर, तो मैंने ये इस तरीके के जो परेशानियां हैं मैंने काफ़ी सारी लोगों की देखी हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।